हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल कर्म&CO कंपनी पे आप सभी का स्वागत है. एंड आप सभी को पता है कि हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है दिसंबर में. आई थिंक 7th और 8th दिसंबर को आपका एग्जाम होगा सीटेट का. एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने सोशलाइजेशन वाला टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है. आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड द प्रोग्रेसिव एजुकेशन. ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट है चाइल्ड सेंटर्ड का एंड द प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, और ये सारी बातें करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपनी. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड द प्रोग्रेसिव एजुकेशन. देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड सेंटर मतलब आपको पढ़ के ही समझ आ रहा है, जो बच्चे पे डिपेंड हो. ठीक है, चाइल्ड पे सेंटर्ड हो, ऐसी एजुकेशन बच्चे को देनी है जो चाइल्ड सेंटर हो, टीचर सेंटर या फिर आपके इंस्टीट्यूट सेंटर ना हो, जो बच्चे के ऊपर डिपेंड करती हो. या घूम फिर कर, अगर यहाँ पे आपका बच्चा है तो ऐसी एजुकेशन बनाई जाए जो घूम फिर कर बच्चे पर ही हर तरफ से डिपेंडेंट हो. ठीक है, वो होती है चाइल्ड सेंटर. ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर वर्ड जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन. प्रोग्रेसिव को हिंदी में कहते हैं प्रगति. ठीक है, यानी कि प्रगति एजुकेशन, यानी कि प्रगति शिक्षा, जिसका टाइम टू टाइम प्रगति हो रही हो, एक दिशा में बढ़ रही हो, जिसमें प्रोग्रेस हो रहा हो, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना मीनिंग चाइल्ड सेंटर करिकुलम से. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग समझते हैं कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती क्या है, चाइल्ड सेंटर करिकुलम होता क्या है. चिल्ड्रन को क्रिएट देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल्स टुगेदर विद टीचर्स बिकॉज वी कैपिटलाइज ऑन द चिल्ड्रन इंटरेस्ट एंड द एम्पावर देम टू टेक एन एक्टिव रोल. चाइल्ड सेंटर एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वो होती है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चा एक्टिव रहता है, यानी कि बच्चा का ही इम्पोर्टेंट रोल होता है. और चाइल्ड सेंटर वो एजुकेशन होती है जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की एज, बच्चे का एक तरह से कह सकते हैं वैल्यूज, या फिर आप और भी उसकी एज वगैरह और कैपेबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए बच्चे को, जिससे कि वो अपने द्वारा सीख सके. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई बच्चा आपकी क्लास में, अगर आपकी क्लास फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो उसमें मोस्ट ऑफ सारे बच्चे सेम एज के ही होंगे, 1 साल के 2 साल के. ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा 2 साल का है, कोई 14 साल का होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता. तो उस सेम एज ग्रुप के बच्चे के लिए आपको उनकी एज के अकॉर्डिंग, उन सभी बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उन सभी बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग एक ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है जिससे वो एक्टिव होके सीखे, अपने लेवल के अकॉर्डिंग सीखे. अगर 2 साल के बच्चे को आप 14 साल का या 10th क्लास का करिकुलम पढ़ाओगे, क्या वो बच्चा सीखेगा? नहीं सीखेगा, उनकी एबिलिटीज से ऊपर हो गया. लेकिन अगर आप 2 साल के बच्चे को प्लेस के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा, खेल खेल में काउंटिंग, अल्फाबेट सिखाओगे, तो वो सीखेगा, क्योंकि उस एज में बच्चा ज्यादातर उसका इंटरेस्ट प्लेस, खेल और इन सब में रहता है, एक्टिविटीज में. ठीक है, समझ आया? मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वो होती है जिसमें सबसे ज्यादा जोर या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल बच्चे का होता है, और उसके लिए जो भी करिकुलम सेट किया जाता है, जो भी उसको पढ़ाने के लिए सेट किया जाता है, वो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग होता है, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग होता है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, उसमें टीचर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है. टीचर वहां पे एक सेकेंडरी फैसिलिटेटर के रूप में काम करती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. When the children are emotionally invested, they are willing to explore in depth and are able to reach deeper level of understanding. For children's child center curriculum just feel like fun. तो child center education कैसा होना चाहिए, curriculum कैसा होना चाहिए, जिसमें बच्चे fun करते हुए सीखे, उनपे कोई बोझ या फिर pressurize या pressure ना हो. ठीक है, समझ आ गया चाइल्ड सेंटर करिकुलम क्या होता है. आगे बढ़ते हैं.
Now, the basic principle of child-centered education in the teaching and the learning. तो basic principle क्या है child-centered education provide कराने के लिए teaching के अंदर और learning के अंदर. First is में orientation on the needs of the children. मतलब lesson should offer opportunity for children to include and implement their needs and requirements. हमेशा एक ऐसा करिकुलम या एक ऐसा लेसन बच्चों के लिए ऑफर किया जाए कि लेसन जो है बच्चे को खुद ही ऑफर कर रहा है बच्चे की अपॉर्चुनिटीज को कि वो खुद को अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को उस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंक्लूड करे इम्प्लीमेंट करे कुछ नया सीखे या फिर कुछ नया इनोवेट करे. ठीक है, एक ऐसा इस पे डिपेंड करके एक ऐसा करिकुलम या जो लर्निंग है और टीचिंग है एक ऐसी सेट की जाए ताकि बच्चा खुद सीखने के लिए उसमें इंटरेस्टेड हो. ठीक है, एक्टिव सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग, एक एक्टिव सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग होनी चाहिए जिसमें बच्चा खुद से एक्टिव हो, टीचर को ना कहना पड़े आओ पढ़ते हैं, बच्चा खुद से कहे चलो करते हैं पढ़ते हैं. ठीक है, Children are interested and encouraged to actively search the knowledge. बच्चे खुद active रहे कुछ ना कुछ नया खोजबीन करने के लिए, knowledge gain करने के लिए, to carry out complex learning activities. क्या वो learning करके मतलब activities करके करे, plays करके करे, लेकिन important है कि वो अपनी knowledge को gain करने के लिए, उनको acquired करने के लिए खुद से active रहे. ठीक है, to reflect on their personal learning, to plan learning responsible and the accountable for it. ठीक है, तो बच्चे जो भी अपनी लर्निंग करेंगे खुद से वो अपनी लर्निंग के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबल होंगे, खुद से अकाउंटेबल होंगे कि उनकी कितनी अच्छी लर्निंग हो रही है. ठीक है, थर्ड वन आता है इसमें वेल डिजाइन लर्निंग एनवायरनमेंट. अब अच्छी टीचिंग करानी है एज ए टीचर, अच्छी लर्निंग करानी है बच्चों को, तो आपको वेल डिजाइन लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा बच्चों को जहाँ पे बच्चे टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस को अप्लाई कर सके अपने इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, Children can work towards developing their competencies in an autonomous and the self-directed manner and in according to their own needs. मतलब आप एक ऐसा environment बच्चों को positive environment develop करके दीजिए जहाँ पे बच्चे खुद से self-directed manner सीखें, अपनी needs को अपने according और अपने जो भी requirement है उनको fulfill करें. ठीक है, लास्ट आता है सोशल लर्निंग एज अ मेथड एंड अ गोल. आप सोशल लर्निंग होनी चाहिए जो एज अ मेथड और एज अ गोल आपके लिए काम करे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. लर्निंग इज डिजाइन एज अ शेयर्ड सोशल प्रोसेस, चिल्ड्रन कैन प्रेजेंट देयर नीड्स एंड द लर्न इंडिविजुअली एट द सेम टाइम. बच्चे के लिए सोशल लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों को आप एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराइए अपनी जो नॉलेज है उसको सोशलाइज कर सके जिसमें बच्चे अपनी नीड्स और इंडिविजुअली लर्न कर सके कोई भी चीज सेम टाइम पे. ठीक है, पूरी भी कर सके नीड और उसको लर्न भी कर सके. नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाउ एडवांटेजेस. अब जो चाइल्ड सेंटर करिकुलम है या चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है वो क्यों देनी चाहिए, उसके फायदे क्या है. उसके फायदे हैं, फायदा नंबर वन स्ट्रेंथ स्टूडेंट मोटिवेशन. इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है. अगर आप मान लीजिए किसी बच्चे को उसके उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि कल आपको 2 की टेबल रन करके लानी है, लेकिन उसका इंटरेस्ट मैथ सब्जेक्ट में नहीं है, उसका सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ने में है या जो भी है, तो वो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करेगा, वो 2 का टेबल रन ही नहीं करके लाएगा, या आप उसको ज़बरदस्ती करके उसको रट्टाफिकेशन भी करा दो तो वो थोड़े टाइम के बाद भूल जाएगा. मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे को फिर मैथ्स ही नहीं पढ़ानी, लेकिन जो उसके इंटरेस्ट में है मतलब आप उसको इस तरीके से पढ़ाइए ताकि बच्चा उसमें इंटरेस्टेड हो, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करिए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई करिए. ठीक है, तो बच्चे क्या खुद ही मोटिवेट होंगे उस चीज को सीखने के लिए.
सेकेंड फायदा इसका ये है, प्रमोट्स पीयर कम्युनिकेशन। इसमें पीयर कम्युनिकेशन यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स में कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। जब बच्चे खुद से अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो एक दूसरे की नॉलेज शेयर करके एक्वायर भी करते हैं, तो उसमें बेनिफिट होता है कि नॉलेज गेन होती है बच्चों की, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिड्यूसेस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। बच्चों का बिहेवियर जो बैड बिहेवियर है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि जब बच्चे ग्रुप में काम करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो जिन बच्चों का बैड बिहेवियर होता है और अच्छे बच्चे उनके साथ इंटरेक्शन में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप ही अपने बिहेवियर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। बिल्ड्स स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में एक स्टूडेंट और टीचर का बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है, क्योंकि जब आप बच्चे को एक ऐसी टीचिंग प्रोवाइड करोगे जो बच्चे पे डिपेंड हो, तो बच्चे का आपसे एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन होगा, क्योंकि आपके हिसाब से बच्चे के लिए कोई भी प्रेशराइज एजुकेशन या प्रेशराइज टीचिंग नहीं करवाई जा रही जिसमें बच्चे को हार्म हो, क्या वो फिजिकली हो या मेंटली हो, ठीक है। सेकेंड लास्ट पॉइंट इज प्रमोट्स डिस्कवरी एंड अ एक्टिव लर्नर। इम्पॉर्टेंट है, चाइल्ड सेंटर क्या कहती है, यही कहती है ना कि बच्चे को एक्टिव लर्नर होना चाहिए, वो खुद एक्सप्लोर करे अपने आप को, न्यू इनोवेशंस करे, अपनी नॉलेज को गेन करे। तो एक न्यू डिस्कवरी बच्चा कर सकता है, एक एक्टिव लर्निंग हो सकती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है तो वो ही एक्टिव रहेगा, तो ऑफकोर्स ही बात है 100 out of 100 तो आनी ही है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वन्स ओन लर्निंग। तो इसमें जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को नई सीखने की, वो बच्चे की ही होती है और बच्चे के अकॉर्डिंग ही होगी, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी लर्निंग के लिए, ठीक है, उसमें वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं अब, कि जहाँ इसके फायदे हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के, तो इसके साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी होंगे, तो आइए नुकसान भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ मिसकंसेप्शन, एक प्रॉब्लम हो जाती है मिसकंसेप्शन की, क्यों, क्योंकि जब 10 बच्चे ग्रुप में बैठते हैं, बात करते हैं और 10 बच्चे अपनी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो कई बार हमें ये नहीं पता चल पाता कि एक्चुअली में किसकी बात सही है या किसका नॉलेज सही है या इसका अर्थ यही है, ठीक है। तो मिसकंसेप्शन भी हो जाता है कि किसी एक चीज के अकॉर्डिंग हम कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शन कर लेते हैं, कुछ गलत धारणाएं भी बना लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, लर्निंग इन ऑल्टरनेटिव वेज। अब इसमें क्या होता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में, कि मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है कि अगर आप स्टूडेंट सेंटर कराएंगे यानी कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें बच्चे ज़्यादातर एक्टिव जो लर्निंग करेंगे अपने अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, प्ले वेज के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, तो जो लर्निंग होती है ना उसमें वो ऑल्टरनेटिव वेज रह जाता है, मतलब वो कहीं सेकेंडरी चीज बन के रह जाती है, बच्चे ज़्यादातर प्लेज, खेल कूद इन सब में लगे रहते, वहां पे लर्निंग नहीं हो पाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ टीम स्किल्स। लैक ऑफ टीम स्किल्स होता है कि 10 बच्चों का आपने ग्रुप बना दिया, 3 सपोर्ट कर रहे हैं, 4 सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर और सपोर्ट कर रहे हैं, और नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेम प्रोजेक्ट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप डिफरेंट बच्चों के ग्रुप को, मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया कि 2 बच्चे आपको 6 क्लास से लेने हैं, 2 बच्चे 8 क्लास से, 2 बच्चे 10th क्लास से एक सेम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो उनका तीनों क्लास के बच्चों का एज लेवल और जो मेंटल लेवल है वो डिफरेंट है, तो उनका सोचने का तरीका, उनकी नॉलेज का तरीका सब कुछ अलग होगा, तो वो डिफर कर जाता है उनके प्रोजेक्ट पे या साथ में ग्रुप में काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल, कि जब बच्चे काम करते हैं साथ में या इंडिविजुअली, अगर मान लीजिए इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो वो अपनी अपनी बोलेगा कि मुझे ये सही लग रहा है, मेरे हिसाब से है, लेकिन अगर आप ग्रुप में भी बच्चों को काम करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी हर कोई अपने आप को लीडर मानेगा, तो वो किसी के इंस्ट्रक्शन सुनने में क्यों इंटरेस्टेड होगा, कि आपने किसी एक को लीडर बना दिया कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, नहीं मेरी बात सही है, नहीं उसकी बात सही है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में, आपस में कम्युनिकेशन या फिर आपस एक दूसरे को हेल्प अप करने में बड़ी समस्या आती है, ठीक है। उसके बाद आता है अनकंफर्टेबिलिटी, राइट। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि
अगर चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए तो बहुत से बच्चे उसमें अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो उनका एज लेवल तो सेम है लेकिन उनका इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को हॉकी पसंद है, तो आप उनको सेम एक खेल नहीं खिला सकते हो, राइट. अब किसी को मैथ ज़्यादा पसंद है, किसी को इंग्लिश ज़्यादा पसंद है, किसी को सोशल साइंस ज़्यादा पसंद है, तो उनको एक सब्जेक्ट पे ज्यादा उसके लिए भी फोकस नहीं कर सकते हो, राइट. तो अनकंफर्टेबिलिटी भी वहां पे आ जाती है. ठीक है, डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हमने दोनों पढ़ लिए, आगे बात करते हैं. ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएट दिए गए हैं चिल्ड्रन सेंटर और सॉरी स्टूडेंट सेंटर एंड द टीचर सेंटर. दो तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस के अंदर. जो आपकी लर्निंग होती है और उसके बाद आपकी टीचिंग प्रोसेस होता है, मतलब उल्टा लिख दिया मैंने, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, तो इसके अंदर दो टाइप की आप एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हो. जो एक टीचर सेंटर हो जिसमें टीचर इम्पोर्टेंट रोल हो, बच्चे सुने, और दूसरा स्टूडेंट सेंटर हो जिसमें स्टूडेंट इम्पोर्टेंट रोल हो और टीचर उनकी बात को सुने या उनको गाइड करें. ठीक है, तो टीचर सेंटर एजुकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं और स्टूडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं. टीचर सेंटर का फर्स्ट पॉइंट है टीचर इज द अथॉरिटी. टीचर को ऑथराइज्ड होता है या अथॉरिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए या करवाने के लिए या कुछ भी पढ़ाने के लिए. स्टूडेंट में टीचर इज अ फैसिलिटेटर. टीचर केवल एक फैसिलिटेटर है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है बच्चों को या उनको गाइड कर रहा है, उनको सही दिशा या मार्गदर्शन कर रहा है उनका. ठीक है, टीचर इज अ एक्सपर्ट. टीचर सेंटर में टीचर क्या हुआ है, एक्सपर्ट होता है अपनी नॉलेज में, अपनी चीज़ों में. और स्टूडेंट सेंटर में टीचर केवल एक गाइडर होता है, अगर बच्चे को कहीं पे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो वहाँ पे उनको हेल्प आउट करने के लिए होता है बस. ठीक है, अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए नहीं होता है. उसके बाद टीचर्स में टीचर्स डिलीवर नॉलेज. टीचर सेंटर में टीचर अपनी नॉलेज शेयर करता है. स्टूडेंट सेंटर में स्टूडेंट एक्सप्लोर अ रेंज ऑफ सोर्सेज. स्टूडेंट खुद अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज से. ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट रिसीव नॉलेज. इसमें टीचर सेंटर में क्या होता है, जब टीचर अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है या डिलीवर कर रहा है बच्चों के लिए, तो स्टूडेंट केवल रिसीव करने वाला होता है, वहाँ पे सिर्फ नॉलेज को रिसीव करता है. ठीक है, और स्टूडेंट सेंटर में क्या होता है, स्टूडेंट हैज चॉइस एंड द से इन व्हाट्स ही लर्न्स. यहाँ पे स्टूडेंट को चॉइस होती है कि उसे क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है. ठीक है, लेकिन टीचर सेंटर में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है, सिर्फ उसको नॉलेज गेन करनी है जो भी टीचर पढ़ा रहा है, क्या वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो या ना हो. उसके बाद आते हैं रिग्रेट रोज ऑफ डेस्क. यहाँ पे रोज और डेस्क में मतलब एक स्टेबिलिटी होती है. इसमें होता है लर्निंग एक्टिविटीज एंड स्पेस आर फ्लेक्सिबल. और स्टूडेंट सेंटर्स में क्या होता है कि सम एक्टिविटीज के थ्रू ग्राउंड में, स्पेस में, कहीं पे भी मतलब आपको चीजें करवाई जा सकती है, क्या वो प्ले वे ग्राउंड हो, क्लासरूम हो, बाहर आउट ऑफ स्कूल हो, कैसे भी आपको सिखाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे एक डेस्क पे बैठ के ही आप पढ़ोगे टीचर सेंटर में. ठीक है, उसके बाद टीचर सेंटर में आता है रोट लर्निंग एंड रिकॉल. इसमें समटाइम रेटिफिकेशन भी होती है और रिवीजन भी होता है, और लेकिन इसमें क्या होता है ऑन गोइंग फॉर्मेटिव असेसमेंट. ठीक है, स्टूडेंट सेंटर में फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि बच्चे खुद की नॉलेज पे बेस कुछ असाइनमेंट्स को फुलफिल करते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है फोकस ऑन टेस्टिंग एंड ग्रेड्स. यहाँ पे टेस्ट और ग्रेड्स पे इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, जो भी पढ़ाया उसमें कुछ अचीव किया या नहीं किया, ग्रेड्स कैसे आए, कुछ अचीव हुआ नहीं हुआ, आपको समझ आया नहीं आया. लेकिन यहाँ पे गोइंग थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, एक तरह से प्रैक्टिकल्स होते हैं. ठीक है, लास्ट है पावर एंड कंट्रोल. यहाँ पे पावर और कंट्रोल किसका होता है, पूरा टीचर का होता है. यहाँ पे क्या है, ट्रस्ट एंड ओपननेस किसका होता है, स्टूडेंट का होता है. आगे समझ नेक्स्ट पढ़ते हैं. रोल ऑफ द टीचर सेंटर, जो स्टूडेंट सेंटर टीचिंग होती है उसमें टीचर का क्या रोल है. वैसे यहाँ पे आपको पता चल गया कि टीचर का क्या रोल है, यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर रोल है, एज अ गाइडर रोल है, उनको उनके एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने का रोल है, कोई भी नई चीज में हेल्प आउट करने का रोल है, उनकी किसी भी चॉइस में बेटर उनको सजेस्ट करने का रोल है. ठीक है,
लेकिन टीपली इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं. जस्ट वेट. ओके, रोल ऑफ टीचर. स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग and the learning focus on needs, ability, interest and the learning style of the student and has many implication for the design of curriculum, course content and the interactive of the course. यहाँ पे teacher का सिर्फ इतना role है student centered teaching में कि जो भी teaching learning process चल रहा है उसमें जो बच्चों की needs हैं, abilities हैं, interest है या learning style है बच्चों के according, उसका implication वो अपने करिकुलम को डिजाइन करने में, अपने कोर्स कंटेंट को बनाने में या फिर जो भी कोर्सेज यानी कि चैप्टर्स बनाए जा पढ़ाए जाने हैं बच्चे को उनके लेवल के अकॉर्डिंग, वहां पे उन सारी चीजों को इंक्लूड करें. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए, आपने प्राइमरी क्लास के बच्चों की बुक्स उठा के देखी होगी, उसमें थ्योरेटिकल ज्यादा होता है. और मतलब मैं कहना चाहूं अगर बुक है ये तो यहाँ पे थ्योरीज कम होती है सॉरी, और यहाँ पे पिक्चर्स ज्यादा होती है. कभी आपने नहीं देखा होगा 10 पन्ने भरे हुए हैं बिल्कुल लिखा हुआ है, एक भी पिक्चर नहीं है. लेकिन आप ग्रेजुएशन लेवल की या 12th क्लास की बुक उठा के देख लीजिए, उसमें थ्योरीज ज्यादा होती हैं और कहीं पे इक्की दुक्की पिक्चर्स होती हैं. क्यों? क्योंकि पता है कि जो छोटी क्लास के बच्चे हैं वो पिक्चर्स से, कलर्स से उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे सीखने के लिए. और बड़ी क्लास के बच्चों को आप ब्लैक एंड व्हाइट बुक भी दे दोगे और थ्योरीज दे दोगे पिक्चर्स के बिना, तो वो तब भी उसे पढ़ेंगे क्योंकि उस टाइम पे वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उनको अपनी नीड्स पता होती है, उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है, उनको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन प्राइमरी क्लासेस में बच्चे की इंटरेस्ट, एबिलिटी और इन लेवल के अकॉर्डिंग उनको अट्रैक्ट करना बड़ा ज़रूरी होती है. इसीलिए उनकी बुक्स जो होती है ऑलवेज कार्टून्स, पिक्चर्स और कलरफुल टाइप की. ठीक है, तो इस टाइप के कोर्स कंटेंट या करिकुलम रेडी करने के लिए टीचर्स बहुत अहम रोल प्ले करता है स्टूडेंट सेंटर टीचिंग. ओके, नेक्स्ट स्टेप, अ प्रोमोनाइड पेडागोजी विल बी टीचर एज कोच टू प्रोवोक स्टूडेंट टू लर्न रेदर देन द मोर ट्रेडिशनल टीचिंग विच प्लेसेस द टीचर एट इट्स सेंटर इज एन एक्टिव रोल एंड द स्टूडेंट इन अ पैसिव. यहाँ पे टीचर का एज अ कोच रोल है कि किसी भी स्टूडेंट को प्रोवोक करना, उनको मोटिवेट करना, उनके लिए बेस्ट चॉइस प्रोवाइड करना या एज अ गाइडर या एज अ फैसिलिटेटर प्रोवाइड होना चाहिए वहां पे टीचर. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं. ओके, नाउ बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन का. यहाँ पे आपने पढ़ लिया पूरा, हमने चाइल्ड सेंटर करिकुलम क्या था स्टार्टिंग में, यहाँ पे दो पॉइंट थे चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव. तो हमने पहले चाइल्ड सेंटर पढ़ा, मीनिंग समझ आ गया, फिर उसके प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हमने, फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए, रोल पढ़ लिया, डिफ्रेंशिएट पढ़ लिए. अब बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होता है. तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करते हैं, emphasize on learning by doing. जो progressive education है वो emphasize करता है यानी कि बल देता है learning by doing पे. यानी कि एक तरह से कहें हम कि गांधी जी के पद पग पे इम्पोर्टेंस है. मतलब गांधी जी ने भी बोला था कि लर्निंग बाय डूइंग बच्चों को सीखना चाहिए. मतलब बच्चों को ऐसी लर्निंग करानी चाहिए जिसमें बच्चे खुद करके सीखे, मतलब क्लास में बैठे ना रहे और सुनते ना रहे, बल्कि ऐसी लर्निंग करें कोई ना कोई अपने आप कर करके सीखे, यानी कि एक्टिविटीज और प्लेस से. ठीक है, जैसे हैंड ऑन प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट लर्निंग. ठीक है, एक्सपेरिमेंट बनाए, प्रोजेक्ट्स बनाए, स्लाइड्स बनाए, खुद इनोवेट करें, एक्सपेरिमेंट सर्च करें, नॉलेज गेन करें, वो सारी चीज़ें वो होते हैं आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन. इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है लर्निंग बाय डूइंग पे. इंटीग्रेशन ऑफ इंटरप्रेजेंटरशिप इन द एजुकेशन. अब इसके अंदर इंटरप्रेजेंटरशिप का एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल है. स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ क्रिटिकल थिंकिंग. और सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो
प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बल देती है कि बच्चे के सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम दी जाए ताकि बच्चा खुद अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फॉर एग्जांपल, आप बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, टेबल सिखाते हैं और काउंटिंग सिखाते हैं, तो अगर आप वो बुकिश लैंग्वेज में ओनली सिखा के रख दोगे रट्टाफिकेशन करा के कि बच्चे ने आया पढ़ा सुना दिया आपको, इनफ है। लेकिन जब तक आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, फॉर जैसे कि बच्चे को टेबल आती है, काउंटिंग आती है, बच्चा दुकान पर गया बाहर कोई सामान खरीदने के लिए, उसने 10 रुपये दिया, 5 रुपये की उसकी चीज़ हुई, तो बच्चा क्या वहाँ पे प्लस माइनस कर सकता है, गुणा घटा जमा कर सकता है, तो वो डेली लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स किससे सॉल्व कर रहा है? वही जो उसने टेबल्स सीखी हैं, काउंटिंग सीखी है, मैथ्स में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन वो सब सीखा है, तो वो उससे अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, उसको प्रैक्टिकल करके देख रहा है, ठीक है, और उस पर क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, वो सोच विचार कर रहा है कि अगर 100 रुपये का सामान बना उसने 79 डिडक्ट किए तो कितने मुझे वापस मिलने चाहिए, या उसने कम ज़्यादा दे दिए तो नहीं वो रॉन्ग है कि मैं राइट हूँ, तो ये सारी चीज़ें इम्फेसाइज करती हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप वर्क एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर ग्रुप वर्क्स भी इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपके सोशल स्किल्स को डेवलप करता है। जब आप ग्रुप में काम करेंगे तो एक दूसरे के साथ सोशल स्किल्स आपकी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी। अंडरस्टैंडिंग एंड द एक्शन एज द गोल ऑफ लर्निंग एज ओपन्स द रूट नॉलेज, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग और दी जो भी आप सीख रहे हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होना चाहिए, केवल रोट लर्निंग पे बेस्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि लर्निंग रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए। आप उससे समझ कितना पा रहे हो और आप उसको एक्शन में अप्लाई कितना कर पा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है कोलैबोरेट एंड द कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट। कोई भी आप प्रोजेक्ट करें तो वो लर्निंग बेस्ड होना चाहिए। एजुकेशन फॉर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डेमोक्रेसी। कोई भी एजुकेशन इस पर बेस्ड होनी चाहिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के टूवर्ड्स आपको जागरूक करे, आपको डेमोक्रेटिक बनाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मेरे रूल्स राइट्स क्या क्या है, ठीक है। हाईली पर्सनलाइज एजुकेशन अकाउंटिंग टू फॉर ईच इंडिविजुअल्स पर्सनल गोल्स। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपको पर्सनली भी बहुत इम्फेसाइज करती है कि अपने पर्सनल गोल्स को भी आप इंडिविजुअली अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाओ। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटी कम्युनिटी सर्विस एंड द सर्विस लर्निंग प्रोजेक्ट इनटू द डेली करिकुलम। आपको जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बच्चा सोसाइटी में जा रहा है और प्लस माइनस वहाँ पे यूज़ कर रहा है, दुकान से कुछ खरीद रहा है, तो अपनी जो भी नॉलेज है बच्चा उसको अपनी कम्युनिटी की सर्विस में और लर्निंग में क्या यूज़ करे। डी एम्फेसाइज ऑन टेक्स्ट बुक्स इन अ फेवर ऑफ वर्ड लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स हैं जो आपकी लर्निंग और रिसोर्सेज को एम्फेसाइज करते हैं, तो उनको बढ़ावा देना। नेक्स्ट आता है एम्फेसाइज ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड द सोशल स्किल्स असेसमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ चिल्ड्रंस प्रोजेक्ट एंड द प्रोटेक्शन। अब बच्चे की ऐसी लर्निंग में हमें एम्फेसाइज करना है जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो। केवल ये ना हो कि बच्चा पहली क्लास में है, छठी क्लास में है, सेवन्थ क्लास में है, तो उसने ऐसी नॉलेज गेन करी कि एग्जाम दिए पास आउट हो गया उसके बाद वो भूल ही गया, अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में यूज ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करवानी है ताकि वो अपने फ्यूचर में भी उसको यूज कर पाए। नेक्स्ट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के एलिमेंट्स क्या है? तो टू एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन दैट डिफर प्रोग्रेसिव एजुकेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्मल एजुकेशन। फर्स्ट आता है रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, एग्जाम्पल ओन एबिलिटीज इंटरेस्ट आइडियाज नीड्स कल्चर आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाइड्स। देखिए, मैं आपको सीधा और सिंपल एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ आप कह सकते हो कि एक तरह से नाम बदल दिया गया है, लेकिन दोनों का मतलब वही है
कि बच्चों की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और बच्चों की नीड्स और आइडियाज और कल्चर आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आप बच्चे की एजुकेशन करवाओ, ठीक है। क्रिटिकल सोशली एंगेज इंटेलिजेंस, बच्चे का कम्युनिटी में प्रॉपर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बच्चा प्रॉपर सोशलाइज होना चाहिए, अपनी नीड्स के फुलफिल करते हुए वो सोशलाइज होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के साथ, जिससे कि वो अपनी सोसाइटी में एडजस्ट कर सके, वो है आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रिंसिपल। प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस पे बेस्ड है, उसके सिद्धांत क्या है, हम क्यों प्रोग्रेसिव एजुकेशन को इंक्लूड कर रहे हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो उसमें एक फर्स्ट पॉइंट है आपका, द चाइल्ड शुड हैव फ्रीडम टू डेवलप नेचुरली। हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसीलिए एम्फेसाइज करना चाहिए अपने एजुकेशन के अंदर, क्योंकि वो एक फ्रीडम प्रोवाइड करता है बच्चे को नेचुरली डेवलप करने के लिए, ताकि जिससे कि वो अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। नेचुरल इंटरेस्ट इज द बेस्ट मोटिव फॉर दी वर्क, ठीक है। अब ये नेचुरल जो इंटरेस्ट बच्चे का डेवलप हो रहा है वो सबसे ज्यादा यानी कि सबसे अच्छा मोटिवेशन है बच्चे के किसी भी काम को करने के लिए। द टीचर इज गाइड नॉट अ टास्क मास्टर, यहाँ पे एक टास्क मास्टर नहीं है जिसमें कि ग्रेड्स और उसके मार्क्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो टीचर है वो एक गाइड है कि बच्चे को सही दिशा दिखानी है, चाहे उसके मार्क्स कम आए लेकिन वो फ्यूचर में अपने आप को सेटल कर सके, ठीक है। अ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट मस्ट बी मेजर्ड साइंटिफिकली नॉट जस्ट द ग्रेड्स, बच्चे अपने आप को डेवलप कर सके, मेजर कर सके साइंटिफिकली, यानी कि अपने आप को साइंटिफिकली लाइक लॉजिकली सोचे कि किसी चीज को सीखने के पीछे क्या लॉजिक है, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे थॉट्स क्या है, सिर्फ ग्रेड्स पाने के लिए उस चीज की लर्निंग ना करें, ठीक है। स्टूडेंट्स जर्नल हेल्थ एंड द फिजिकल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड अटेंशन, अब बच्चे की जर्नल जो हेल्थ होती है या फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो भी किससे होता है, वो अटेंशन से रिक्वायर्ड होता है या उसकी एक्टिविटीज या उन सब चीज़ों से फुलफिल होता है। तो आप बच्चे की ऐसी एजुकेशन कराएं जो उसकी एनवायरमेंट से कनेक्टेड हो। द स्कूल एंड द होम मस्ट वर्क टूगेदर टू मीट चिल्ड्रन नीड्स, एक स्कूल को और एक घर को साथ में मिलकर बच्चे की एजुकेशन पूरी करवानी चाहिए ताकि बच्चा अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है। द प्रोग्रेसिव स्कूल शुड बी अ लीडर इन अ ट्राइंग न्यू एजुकेशन आइडियाज, एक प्रोग्रेसिव स्कूल जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जो एज अ लीडर काम करे, जिसमें बच्चे के न्यू एजुकेशन आइडियाज को इन्वॉल्व किया जा सके, जिससे बच्चे की एक पुरानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एजुकेशन चली आ रही है बुक्स और हैवी बोझ और ग्रेड्स और मार्क्स के ऊपर, उसको हटा सके, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर रोल इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, अब टीचर का क्या रोल है इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, याद कीजिए अभी हमने थोड़ी देर पहले चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पढ़ा था, तो उसके अंदर भी जो टीचर था वो क्या था, एज अ फैसिलिटेटर था, एज अ गाइडर था, तो सेम चीज इसमें है। नेक्स्ट, सेंटर बेस्ड प्ले, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जो बेस्ट आपका बेस्ड होना चाहिए वो प्लेस होने चाहिए, एक्टिविटीज होने चाहिए, एनवायरनमेंट रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। लर्निंग सेंटर विद एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, यानी कि जो भी लर्निंग बच्चे को कराई जा रही है उसके एज के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो उसकी एक्टिविटीज, ठीक है। इंडिविजुअल असेसमेंट्स वीआर स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन, एक इंडिविजुअल असेसमेंट्स या प्रैक्टिकल्स करवाने चाहिए टीचर को, जिससे बच्चे की पर्सनली ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी कि बच्चा कितना अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहा है, ओके। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ एंड द अडल्टहुड, बच्चे की शिक्षा या एजुकेशन ऐसी कराई जाए इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन कि बच्चा अपने आप को अपनी एंटायर लाइफ के लिए प्रिपेयर करे, अपने अडल्ट यानी कि जवानी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे अपनी नॉलेज को, ये नहीं कि बस क्लास पास आउट कर ले बात खत्म और वो जो मार्क्स और मार्कशीट है अलमारी के अंदर रखे सड़ रहे हैं, ठीक है, और आप लाइफ में सेटल नहीं, ओके।
तो नाउ इसी के साथ हमारी वीडियो फिनिश होती है. आई होप आपको चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन समझ आ गया हो. बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है. एक या दो बार वीडियो को रिप्ले करके देखोगे बहुत अच्छे से आ जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप. और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.